फिरोजाबाद शहर में 14 अप्रैल को चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जन्म जयंती के मौके पर एक विशाल शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान कमेटी के पदाधिकारी ने द्वारा दी गई है। शुक्रवार की दोपहर फिरोजाबाद शहर के एक होटल परिसर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, 14 अप्रैल 2024 की सुबह 10 बजे महान पुरुष चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम के साथ फिरोजाबाद शहर में निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रेम सिंह सख्या मौजूद रहेंगे। यात्रा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के गत कई वर्षों से हमारे फिरोजाबाद जनपद में निकल रही है। हम हर वर्ष एक नए अध्यक्ष का चुनाव करते हुए उनके नेतृत्व में इस शोभा यात्रा को निकालते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे भारत की एक ऐसे सम्राट को हम समाज के सामने रखना चाहते हैं जिसने शक्ति से लेकर शांति के रूप में जो अपने उद्गम दिए हैं, ये हमारे समाज को मालूम रहे, हमारे देश के लोगों को उनके इतिहास के बारे में जानकारी रहे। शोभा यात्रा में भव्य झांकियाँ और बहुत सारे आकर्षक केंद्र रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और अपने गौरवशाली इतिहास को जानने का कोशिश करें। अशोक सम्राट महान की जयंती हम लोग कई वर्षों से लगातार मनाते हुए आ रहे हैं और 14 अप्रैल सुबह 10 बजे ये स्टार्ट होगी। अशोक सम्राट के जीवन काल में उन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं, जितने भी युद्ध किए अशोक सम्राट जी ने तो सब युद्ध तो लगातार जीते थे। उन्होंने उनके समय में भारत बहुत विशालकाय देश था और देश ही नहीं पूरे संसार का एक तिहाई हिस्सा जब इस देश में रहता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान और लगभग अभी भी उसका नक्शा भी है मौर्य साम्राज्य का, जब लगभग संसार का एक तिहाई हिस्सा था और इतने बड़े भूभाग पर जब जो जिससे भी उन्होंने युद्ध किया, जहाँ भी युद्ध किया, सब युद्ध उन्होंने जीते थे और लास्ट में जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से लोग ज़्यादा घायल हो गए थे, तो उनकी चीख पुकार उनकी